नमस्ते, वेलकम टू कुक विद। इसके लिए मैंने एक पेस्ट बनाने जा रही हूँ झटपट। मैंने टमाटर अदरक लहसुन के लिए मैंने पेस्ट तैयार किया है। पेस्ट तैयार किया है, बड़े टमाटर, थोड़ी सी हरी धनिया, उसमें इसके लिए वेजिटेबल मैंने लिए हैं बैंगन, आलू, थोड़े से प्याज, दो कटोरी चावल, करीब 200 ग्राम चावल है, थोड़े से पनीर, एक मैगी मसाला पाउडर। देखिए पेस्ट इस तरह से तैयार हुए हैं। एक अब मैं इसे कुकर में बनाऊंगी। कुकर गर्म होने दे दिए, उसमें दो बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है, एक चम्मच जीरा, गोटा जीरा डाला है। अब प्याज उसमें डाल दे रहे हैं, प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़े ही ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें मैं वेजिटेबल डालेंगे, आपके पास जो भी वेजिटेबल है आप उसे डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेरे पास आलू और बैंगन ही था, मैंने इसी को डाला है। आपके पास जो भी गोभी है, गोभी वगैरह जो भी है वो आप डाल सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी तैयार होंगे, तो देखिए खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब मैंने पेस्ट को डाल दिया है टमाटर अदरक लहसुन का, आप चाहे तो टमाटर को कट करके भी डाल सकते हैं। अब इसे थोड़ी देर पकाना है, अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से कलर आ गए हैं, पक गया है, मसाला भी अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम नमक, पनीर डाल दिए हैं, सॉरी, पनीर डाल के थोड़े से पकाएंगे। अब इसमें चावल डाल दिए हैं, चावल को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। चावल डाल के थोड़े से पकाएं, थोड़ी देर इसे पकाएं चावल को। ये देखिए इस तरह से कलर आ जाने के बाद आप इसमें मैगी मसाला पाउडर उसमें डाल दीजिए और इसे थोड़ी देर पकाएं, अच्छे से इसे फ्राई करने दें। ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएंगे, खाने में भी वैसी टेस्टी लगते हैं। ये बच्चों को भी बहुत पसंद है, बच्चे तो सब्ज़ी वगैरह खाते नहीं, लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे तो बच्चे ज़रूर खा लेंगे। अब इसमें मैंने नमक डाल दिए हैं, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिएगा। इसमें हल्दी नहीं डालना है क्योंकि मैगी मसाला है, तो इसमें कलर आपका आ ही जाएगा। अब इसमें एक अमूल बटर मैंने डाल दिए हैं। अगर कभी खाना समझ में ना आए तो इस तरह से आप बना के देखिए, खाने में बहुत टेस्टी और तुरंत बन भी जाता है। रोज़ का खाने में समझ में नहीं आता है कि क्या बनाएं, कुछ अलग अलग ट्रायल करना चाहिए, मैं तो ऐसे करती हूँ। इसमें एक चम्मच धनिया का पाउडर डाल दिए हैं बाद में, और उसे भी थोड़ी देर पकाएं। 2 से 3 मिनट इसे पका लें। अब इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल दें, हरी धनिया डाल दें थोड़ी सी। अब इसमें पानी डाल दें, अगर एक कटोरी चावल है तो आप 2 कटोरी पानी ले लें और इसे लो फ्लेम पे अच्छे से पकाएं, 3-4 सीटी होने दें, धीमी आंच में पकाना है। ये देखिए कितने अच्छे से पक के तैयार हो गए हैं। मैंने इसे ग्रेवी रखा है, आप चाहें तो ड्राई भी बना सकते हैं।